नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सेहत के लिए घड़े का पानी अमृत है, और वो अमृत क्यों है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड पानी पीते हैं, इससे बहुत से नुकसान होते हैं। लेकिन एक गरीब का जो फ्रिज है वो खड़ा होता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी अमृत होता है। इसको अमृत ऐसे नहीं बोला जाता, इसके बहुत से फायदे हैं। हम आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय घरों में पानी स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन या घड़े का इस्तेमाल किया जाता है, और आज भी ऐसे कुछ घर हैं जहां पर आज भी मिट्टी से बने बर्तनों में पानी पीते हैं। उस मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के कारण घड़े का जो पानी है उसका आनंद और उसका लाभ अलग है। मिट्टी में कई प्रकार की रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों में अगर पानी रखा जाता है तो उसमें मिट्टी के गुण आ जाते हैं, और घड़े में रखा हुआ जो पानी है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चयापचय को बढ़ावा, जी हाँ, नियमित रूप से घड़े का पानी पीने से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी स्टोर करने से उसके प्लास्टिक से अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं और वो पानी को अशुद्ध कर देता है। साथ ही ये भी पाया गया है कि घड़े में पानी स्टोर करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, पानी में पीएच का संतुलन। घड़े का पानी पीने का एक और लाभ है, जी हाँ, कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है, और प्लास्टिक की बोतलों के अंदर वो मदद नहीं मिलती आपको। और पीएच पानी का संतुलन क्या है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि आपके मिट्टी में जो क्षारीय गुण विद्यमान होते हैं वो क्षारीय पानी की अम्लता के साथ प्रभावित होकर उचित पीएच संतुलन प्रदान करते हैं। इस पानी को पीने से एसिडिटी पर अंकुश लगता है और पेट में दर्द से आपको राहत मिलती है। देखिए कितने कितने गुण हैं घड़े के पानी में। आपके गले को ठीक करता है, जी हाँ, आम तौर पर हमें गर्मियों में ठंडा पानी पीने की तलब होती है और फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर हम पी लेते हैं। अब ठंडा पानी पी तो हम लेते हैं, लेकिन ज्यादा ठंडा होने के कारण गले और शरीर के अंगों में एकदम ठंडा पानी बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, और जिससे गले की कोशिकाओं का तापमान अचानक गिर जाता है, जिसके कारण व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और गले का पकना और ग्रंथियों में सूजन आने जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जबकि घड़े को पानी आपके गले के लिए बहुत ही मुफीद कहा जाए तो बेहतर है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि वो फ्रिज का पानी पिए ही नहीं बल्कि घड़े का ही पानी पिए, घड़े या सुराही का पानी। हाँ, इससे सेहत अच्छी रहती है, और मिट्टी का जो सौंधापन होता है ना, उससे गर्भवती महिला को बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बात को नियंत्रण करता है। ये मिट्टी में शुद्धि करने का गुण होता है जो सभी विषैले पदार्थों को भी सोखता है, और पानी में सभी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाता है। इससे पानी सही तापमान पर रहता है, ना बहुत अधिक ठंडा होता है ना बहुत अधिक गर्म होता है, जी हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बात को अक्सर गर्मियों में लोग फ्रिज का पानी पीते हैं तो इसकी तासीर गर्म है, ये बात भी बढ़ाता है। बर्फीला पानी पीने से कब्ज जाती है, अक्सर गला खराब रहता है। मटके का पानी अगर आप पीते हैं तो वो आपको संतुष्टि देता है। मटके को रंगने के लिए गेरू का इस्तेमाल होता है और जो गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। मटके के पानी में, ये कहिएगा कि मटके के पानी से कब्ज, गला खराब होना, इस तरह के रोग होते ही नहीं है, और विषैले पदार्थों को सोखने की शक्ति होती है। मिट्टी में एक पावर होती है कि वो विषैले पदार्थों को सोख लेती है और ये सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाती है पानी के अंदर, जिससे पानी का तापमान है बिल्कुल सही रहता है, ना कि अधिक ठंडा ना गर्म। अब इस पानी को हम ठंडा कैसे करें, देखिए, है ना, मिट्टी के बने मटके में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण की क्रिया पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ही ज्यादा पानी भी ठंडा होगा। इन सूक्ष्म छिद्रों द्वारा मटके का पानी बाहर निकलता रहता है और गर्मी के कारण पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्प बनने के लिए गर्मी ये मटके के पानी से लेता है
और इस प्रक्रिया में मटके का तापमान कम हो जाता है और पानी ठंडा रहता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ठंडे पानी के, वो भी मटके के ठंडे पानी के पीने के क्या क्या लाभ है। अभी तो बरसात का मौसम है, नुकसान तो बरसात के मौसम में भी नहीं देता, लेकिन अगर गर्मियां आए तो आप मटके का पानी पीजिएगा, प्लास्टिक की बोतलें या आपके लिए नुकसानदायक हैं। और हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमसे अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम पर टिप्पणियां करते हैं तो उसका भी वेलकम है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।